Hello friend, welcome to my channel The Technical Intro. Please subscribe my channel and click on the bell icon as soon as possible for more and get notification. दोस्तों मैं हूँ राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं द टेक्निकल इंट्रो। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और साइड में बेल आइकन भी दबा दीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए। दोस्तों आज हम दिखाएंगे एक रिको प्रिंटर, जो प्रिंटर रिको SP111 मॉडल का है और एक लेज़र प्रिंटर है और बहुत ही छोटा साइज का लेकिन बहुत बढ़िया काम के बहुत स्पीड वाला प्रिंटर है। लगभग 22 से 25 PPM से स्पीड से चलते हैं प्रिंटर और बहुत लो रनिंग कॉस्ट एक लेज़र प्रिंटर है। तो दोस्तों पहले हम दिखाएंगे कि आप लोग इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रही है कि एक ही साथ आपका पावर LED ग्रीन LED ग्लो हो रहा है और एरर भी LED ग्लो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो दोस्तों अगर प्रिंटर के अंदर कभी पेपर फंस जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे कंपनी के जैसे ये प्रिंटर नहीं है। एक रिको का इतना छोटा साइज का एक प्रिंटर है, जो प्रिंटर बहुत ही कंजेस्टेड प्रिंटर है। इसको टोनर कहते हैं, देखिए इस तरह आप टोनर को बाहर निकल सकते हैं और देखिए अंदर भी हम दिखाते हैं। देखिए इस तरह आप लगा सकते हैं, बहुत ही केयरफुल करना होगा नहीं तो टूट सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं कि अगर कोई पेपर फंस जाए अंदर तो इस तरह प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। और देखिए इतना कंजेस्टेड है कि आप लोग हाथ से ये पेपर नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये अंदर इतना फंस गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा जो रास्ता है, सेकंड वे, हम इसमें देखेंगे। देखिए ये संभव नहीं हो रहा है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह अंदर जो पेपर है उसको बाहर निकल। देखिए एक छोटा टुकड़ा करके आ गया, मतलब ये निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, स्क्रिप करके मत देखिए। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रही है कि वीडियो को स्क्रिप करके मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसको रिपेयर कर दिया मैंने। तो देखिए ये टोनर मैंने फिर से अंदर डाल दिया और हम ट्राई करेंगे कि प्रिंटर सही हो कि नहीं, क्योंकि छोटा टुकड़ा तो था वो निकल दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, पेपर डाल देंगे प्रिंटर के अंदर। तो डाल दिया मैंने ये पेपर, अब हम कोशिश करेंगे कॉपी निकालने के लिए। तो स्टार्ट बटन में क्लिक कर दिया मैंने, देखिए मूव हो रहा है, घूम रहा है, शायद ठीक हो गया, नहीं देखिए एरर दे रहा है। तो दोस्तों ये पेज अंदर नहीं जा रहा है और फिर से एरर मैसेज शो करे। ये देखिए पेपर जो है ये अंदर फंस गया और ये प्रिंटर फिर से जैम हो गया और प्रिंट नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग इस तरह प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मेरे दिखाए हुए स्टेप को फॉलो कीजिए। हम उम्मीद करते हैं 100% आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, कोई इंजीनियर या कोई सर्विस सेंटर लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए हम कोशिश करेंगे इसको बाहर निकालने के लिए, सॉरी ये देखिए अगर हम उल्टा इसमें पेपर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो अंदर जो कई सारे लॉक है ये टूट जाएगा और प्रिंटर डैमेज हो जाएगा बहुत सारा और काम नहीं बन पाएगा। तो हम सेकंड वे यूज़ करेंगे इधर, ये देखिए ये पीछे वाला ऑप्शन है। एक्चुअली पीछे वाला ऑप्शन मतलब हम लोग जो देखते हैं कि लेज़र प्रिंटर में एक फ्यूज़र असेंबली का पार्ट होता है जो ऊपर में रहते, टॉप में रहते हैं फ्यूज़र असेंबली का पार्ट। नॉर्मली HP कैनन ब्रादर ऐसा जो कंपनी है इस तरह कंपनी का सबका ऊपर में रहते ज़्यादातर। तो देखिए ये देखिए पीछे वाला ऑप्शन हमने खोल दिया और ये देखिए हम इसके साथ ये देखिए अंदर कुछ पेपर फंस गया था, ये हम निकाल रहे हैं। इधर इतना कंजेस्टेड
है कि आप इधर उधर करेंगे तो भी ये लॉक टूट सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले रिक्स नहीं लेंगे, थोड़ा ये जो पार्ट है इसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा लूज करने से ये काम आसान हो जाए। तो देखिए ये थोड़ा लूज हो गया। आप इस पार्ट को बाहर निकाल भी सकते हैं, और अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा इस तरह लूज करने से भी काम बन जाएगा, लेकिन बहुत केयरफुली, क्योंकि इधर कई सारा सेंसर पीछे लगा हुआ है और कई सारे लॉक इधर दिया गया, क्योंकि ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर पेज को अंदर से ले ऊपर से लेके पूरा घुमा के ये पेज प्रिंट आउट होता है, इसलिए इधर पूरा एक रोलर रहते इधर घुमाता है पूरे पेज को प्रिंटर के अंदर, इसलिए ये बहुत कंजस्टेड है और कई सारे लॉक और सेंसर इधर यूज़ किया गया। बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, बहुत ही स्पीड है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये प्रिंटर। ये देखिए कई सारे पेपर अंदर ऑलरेडी है, तो इसको हम निकालते हैं। बहुत सारा लॉक और सेंसर है, मेरे को ये संभाल के करना होगा। आप लोग भी जब इस तरह का करें तो बहुत केयरफुल, नहीं तो टूट सकते हैं। ये देखिए कई सारे पेपर हैं इसमें ऑलरेडी, देखिए कितना सारा फोल्ड हो गया ये देखिए। एक्चुअली ये जो पेपर है, लास्ट जो हमने प्रिंट दिया था और अंदर फंस गया था उसका, हाँ पूरा पेपर ही निकल रहा है। गुड, पूरा देखिए ये पूरा पेपर निकल गया। शायद और नहीं है, ये देखिए एक्चुअली ये जो पार्ट है ये फ्यूज़र असेंबली का पार्ट है, और पूरा पेपर को इधर घुमाते हैं, इतना कंजस्टेड है, इतना स्मॉल प्रिंटर है, एक लेज़र प्रिंटर है, आपको देखने में लग जाएगा कि एक कार्टिज वाला डेस्कटॉप प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप ठीक से देखेंगे तो देखिए एक लेज़र प्रिंटर है। रिको ने इतना अच्छा छोटा प्रिंटर मार्केट पे लॉन्च किया था, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। तो हम फिर से इसको असेंबल कर देंगे और फिर चेक करेंगे। तो पहले स्क्रू को हम जोड़ देते हैं। कई सारी लॉक और सेंसर इसमें हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से, आप पेपर को इधर उधर खींचने का कोशिश भी कर सक किया तो ये लॉक टूट जाएगा अगर ठीक से नहीं हुआ तो। इसलिए आपको बहुत संभाल के करना होगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन जो सर्दी का मौसम है ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि पेपर एक साथ दो चार पेपर एक साथ प्रिंटर के अंदर चले जाते हैं और इस तरह प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए पेपर मैंने डाल दिया और अब पावर दे देते हैं, आ गया पावर, देखिए ग्रीन एलईडी ग्लो हो रहा है, रेड, सॉरी क्या प्रॉब्लम है, सॉरी कार्टेज डालना भूल गया था, तो कार्टेज डाल दिया।
अब चेक करेंगे। गुड, देखिए वो कार्टिज के लिए एरर दे रहा था। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे कॉपी। एक मोनो प्रिंटर है। वाव, गुड। देखिए ये जो इसका टेक्स्ट पेज निकल गया, तो हम दोबारा इसको प्रिंट आउट देंगे। एक रिको SP111 मॉडल का प्रिंटर है। देखिए बहुत ही अच्छा तरह प्रिंट होके बाहर निकल गया। तो दोस्तों इस तरह ही आपको अपना प्रिंटर खुद ही रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरे चैनल आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साइड में बेल आइकन भी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।